आपका हृदय स्वागत करता हूँ मित्रों। आज हम देखने जा रहे हैं पाद चक्रासन, या बोल सकते चक्र पादासन। इसमें हम लेग रोटेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि लेग पर कर रहे हैं मित्रों, तो लेग तो हमारे मजबूत होंगे ही, थाई होंगे, हिप होंगे, वेस्ट होंगे। इसके साथ साथ ये जो पेल्विक एरिया है ये भी हमारे स्ट्रांग हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने एब्डोमिनल मसल पर मसाज करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम अपने स्पाइन पर भी काम करने जा रहे हैं। तो इन सारे मसल के फ्लेक्सिबिलिटी आएंगे, स्ट्रेंथ आएंगे। तो आइए हम सीधा शुरू करते हैं, और बातें भी हमारी जारी रहेगी। तो इसके लिए भी हम बेस पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जो कि पीठ के बल सोने से शुरू होता है। शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, हाथों को फेसिंग फ्लोर रखेंगे, यहाँ के रिलैक्स नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और यहाँ हम अपने पैर को इनहेल करता हुआ 15 सेंटीमीटर उठाएंगे, और इसे हम घुमाएंगे। जैसा कि नाम ही है रोटेशन, लेग रोटेशन, तो जब हम अपवर्ड जाते हैं तो इनहेल करेंगे, और जब डाउनवर्ड आते हैं तो एक्सेल करेंगे। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इस सर्कल जितना बड़ा से बड़ा होते जाए, हम कम से कम 5 to 10 सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। हमें यह ध्यान देना है हमारे हिल कभी भी फ्लोर को ना सटे, 15 सेंटीमीटर का गैप बना रहे, हमारे दोनों घुटने सीधा रहे, और इस तरह से जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं 10 टाइम्स बनाइए, फिर स्टार्टिंग में। और अब हम राइट से ही एंटी क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं, जिसके लिए स्टार्ट होता है इनहेल 15 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आराम से, कोई झटका नहीं देना। शुरू में छोटा सर्कल, और जैसे जैसे आपका शरीर वार्म अप होगा आप सर्कल एरिया, डिस्क एरिया बढ़ा लीजिए। ये हमारे हिप पर, थाई पर, ग्रोइन एरिया पर काम हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से करना है 5 to 10 टाइम्स। इसी तरह से हम लेफ्ट लेग से भी करने जा रहे हैं, इसे इनहेल करके उठाया 15 सेंटीमीटर, और सर्कल छोटा छोटा सर्कल से ही शुरू कीजिए, और धीरे धीरे सर्कल बड़ा बनाइए। ऊपर जा रहे हैं अपवर्ड मूवमेंट में इनहेल, और डाउनवर्ड में एक्सहेल, दोनों घुटना को सीधा रखते हुए आपके अवेयरनेस आपके थाई पर होने हैं, आपके नी पर होने हैं, ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उस पर होना है, और काउंटिंग कर रहे हैं इस पर होना है। इस तरह से 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज आपने कर लिया। अब इसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज करने जा रहे हैं, लेफ्ट लेग का 15 सेंटीमीटर उठाया, और ये हमारे हाथ एल्बो बिल्कुल सीधा हो, नेक सीधा, हेड सीधा, आंखों को बंद रख सकते हैं, दोनों नी लॉक रहेगा, ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज कीजिए, और फिर देखिए आप किस तरह से अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे एक्सपर्टाइज आएगा, आपका सर्कल बनेगा, और आप देखेंगे कि कैसे आपके एब्डोमिनल मसल मजबूत हो रहे हैं, और जो बेली फैट है ये गायब हो जाएगा। ये करने के बाद हमें रेस्ट लेना है एब्डोमिनल ब्रेथ के साथ। एब्डोमिनल ब्रेथ क्या है मित्रों? हम इनहेल करेंगे और अपने एब्डोमेन को खुलाएंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रेथ मैं ले रहा हूँ, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, मैं एब्डोमिनल ब्रेथ ले रहा हूँ।
यानी कि जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो अपने स्टोमक को फुला लेते हैं। ये फुलाने से हमारे लंग्स को, डायफ्राम को और ज़्यादा जगह मिल जाता है नीचे एक्सपैंड होने का, और तब हम बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं, आराम में आ जाते हैं। जो हमारा शरीर थका था बिल्कुल आराम से आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको रेस्ट लेना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ। तब तक आप ब्रीथ करते रहिए, रेस्ट लेते रहिए, जब तक कि आपकी सांस बिल्कुल सामान्य ना हो जाए, तनिक भी थकावट ना रहे, तभी आप किसी नेक्स्ट स्टेज के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जाइए। मुझे उम्मीद है आप इस पाद चक्रासन, चक्रपादासन, लेग रोटेशन को अपने एक्सरसाइज रिजाइन में लेंगे, अपने योगा के शेड्यूल में शामिल करेंगे, और फिर देखेंगे कैसे आपके बेली फैट छू मंतर हो जाते हैं। इसके साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, लोअर लेग्स को मजबूत करेगा। इन सारे फायदे को उठाने के लिए आप नियमित कीजिए और हमारे साथ बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।